शुक्रवार को पीएम मोदी ने 12 आयुष विशेषज्ञों के नाम पर डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के 10 जिलों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सौगात दी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का समय योग का है, हमें योग पर ध्यान देने की जरूरत है। योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसके बाद सोवा रिग्पा आयुष परिवार का छठा सदस्य हो गया है और इस इनिशिएटिव के लिए भी मैं मंत्री जी को और उनके विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो हमें होलिस्टिक सोच के साथ काम करना होगा। पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। देश भर में 12,500 आयुष सेंटर बनाने का भी लक्ष्य है, जिसमें से आज 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का उद्घाटन जो कि हरियाणा के लिए किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का मुझे मौका मिला और वहां भी बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा के उत्साही लोग मुझे नजर आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे 4,000 आयुष सेंटर 12,500 में से 4,000 इसी वर्ष हम कर देना चाहते हैं। एक तिहाई काम इसी वर्ष करने का इरादा है तो आयुष्मान भारत ने गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने मरीजों को अब तक मुफ्त इलाज मिला है वो अगर इसके दायरे में ना होते तो उन्हें देखिए आयुष्मान भारत योजना ने कैसा कमाल किया है। और अभी तो समय ज्यादा नहीं हुआ है जी,